अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। देश भर में मनाया जा रहा है 70वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने तीसरी बार फहराया झंडा, 94 मिनट तक दिया भाषण। महंगाई पर पीएम का बड़ा ऐलान, कहा गरीब की थाली महंगी नहीं होने दूंगा, गरीबों के इलाज पर 1 लाख तक का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। लाल किले से भाषण में पीएम ने पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र किया, शुक्रिया जताते के लिए पीओके और बलूचिस्तान के लोगों का आभार भी जताया। ये मोदी के बयान से बलूचिस्तान के बागी नेता खुश, भारत सरकार से आगे भी समर्थन की उम्मीद जताई। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने बदली पॉलिसी, निर्वासित नेताओं को बातचीत का दिया न्योता। पीएम के भाषण में बलूचिस्तान के जिक्र पर सलमान खुर्शीद नाराज, लेकिन कांग्रेस ने खुर्शीद के बयान से खुद को अलग किया। जेडीयू ने बलूचिस्तान पीओके पर सरकार के रुख का किया समर्थन, यूएन में आवाज उठाने की मांग की। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस का निशाना, गुलाम नबी आजाद ने कहा मोदी ने पीएम या सीएम स्तर का भाषण नहीं दिया। पाकिस्तान ने फिर भारत को उकसाया, जम्मू कश्मीर पर बातचीत का न्योता दिया, विदेश सचिव जयशंकर को पाकिस्तान आने के लिए कहा। आतंकी बुरहान वानी के गांव त्राल में लहराया तिरंगा, मोबाइल टावर पर पाकिस्तानी झंडे को उतारकर सेना के जवान ने भारतीय झंडा लहराया। श्रीनगर के नौहट्टा में सीआरपीएफ की चौकी पर हमला, कमांडेंट शहीद, 10 जवान घायल, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। कश्मीर के उरी सेक्टर में 5 आतंकी ढेर, एलओसी के पास घुसपैठ के दौरान सेना ने मार गिराया। श्रीनगर में भाषण के दौरान महबूबा मुफ्ती के निकले आंसू, पंडित नेहरू से लेकर अब तक के नेतृत्व को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। श्रीनगर में अलगाववादियों का काला दिवस मनाने का प्लान फ्लॉप, सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी की वजह से घरों में ही बंद हुए देश विद्रोही, कई इलाकों में आज भी रहा कर्फ्यू। लाल किले से भाषण के बाद बच्चों से मिले पीएम, सुरक्षा घेरा तोड़कर हाथ मिलाया। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, तीनों सेना के प्रमुख भी रहे मौजूद। लखनऊ में विधानसभा में अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा, सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाई। जम्मू में भी स्वतंत्रता दिवस के समारोह की धूम, कड़ी सुरक्षा के बीच उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने दी तिरंगे को सलामी, परेड में शामिल हुए अर्धसैनिक बल और स्कूली बच्चे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में फहराया तिरंगा, मजदूरों को दिया स्वतंत्रता दिवस का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में 50% की बढ़ोतरी। हरियाणा के सिरसा में तिरंगा फहराने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष में 1657 करोड़ की विकास योजना शुरू करने का ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मोहाली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो अमृतसर में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने फहराया तिरंगा। पटना में नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा, सरकार के कामकाज को सराहा, हर घर में विकास पहुंचाने को बताया लक्ष्य। लालू यादव ने पटना में अपने घर पर तिरंगा फहराया, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव के अलावा पार्टी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। स्वतंत्रता सेनानियों और सैन्य अफसरों की मौजूदगी में देहरादून में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, हरीश रावत ने किया ध्वजारोहण, राज्यवासियों को दी मुबारकबाद। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने फहराया तिरंगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का किया ऐलान। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने पहली बार फहराया तिरंगा, सोनिया गांधी के बीमार होने की वजह से निभाई जिम्मेदारी, समारोह में गांधी टोपी पहने नजर आए राहुल। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मनाया आजादी का जश्न, फहराया तिरंगा, बांटी मिठाई, विकास के मिशन पर डटे रहने का किया वादा। नागपुर के संघ मुख्यालय में लहराया तिरंगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी सलामी, देश की एकता और अखंडता कायम रखने की अपील। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने दी तिरंगे को सलाम। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने ले पहुंचे किरण रिजिजू, लद्दाख को देश का ताज बताया। राज ठाकरे ने पुणे में फहराया तिरंगा, 237 फुट ऊंचे तिरंगे को दी सलामी। बॉर्डर पर भी मना आजादी का जश्न, बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स का मुंह मीठा करवाया। बांग्लादेश सीमा पर भी मना आजादी का जश्न,
फुलबारी बॉर्डर पर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां सौंपी। असम के तिनसुकिया जिले में स्वतंत्रता दिवस पर 4 धमाके, कोई हताहत नहीं, उल्फा आतंकियों पर शक। पीएम के भाषण से चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर नाराज, जजेस की नियुक्ति पर बयान, कथाओं ने इंतजार। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज को पीएम की श्रद्धांजलि याद करते वक्त हुए भावुक। मुलायम सिंह यादव ने फिर अखिलेश और उनके मंत्रियों को फटकार लगाई है। शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश का भी आरोप लगा। शिवपाल यादव ने फिर जताई नाराजगी, इटावा में कहा, अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। मुलायम के बयान का आजम खान ने किया समर्थन, साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाबा रामदेव ने पीओके में चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने की मांग की, कहा, जब तक पीओके में तिरंगा नहीं फहराता तब तक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। इलाहाबाद के मदरसों में दिखा आजादी का रंग, तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे स्वतंत्रता समारोह में हुए शामिल। यूपी के फैजाबाद में प्रशासन की अनोखी पहल, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ ध्वजारोहण। जश्न आजादी पर ग्वालियर सेंट्रल जेल से 45 कैदी रिहा, हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन वारदात में पिछले 15 साल से काट रहे थे सजा। एमपी में रतलाम के एक स्कूल में तोड़फोड़, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को छुट्टी देने पर भड़के अभिभावक, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा पर पथराव, तनाव के बाद पुलिस की मौजूदगी में निकाली गई ये यात्रा। रेल यातायात के लिए खुला दिल्ली का पुराना यमुना पुल, पानी बढ़ने से 2 दिन रहा बंद, कई ट्रेन हुई थी रद्द। वीके सिंह ने ब्रजपाल तेवतिया पर हमले की सीबीआई से जांच की मांग की है, 3 दिन बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली। एमपी के दतिया में सिंध नदी की उफनती लहरों में फंसा किसान, 12 घंटे बाद वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। राजस्थान के बारा में नदी पार करते वक्त बहा एक व्यक्ति, गांव के लोगों ने शुरू की तलाश। पटना के ग्रामीण इलाकों में बाढ़, सैकड़ों एकड़ इलाके में लगी धान की फसल बर्बाद। यूपी के औरैया में करंट से 5 लोगों की मौत, मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर पीएम के दावे पर सवाल, यूपी के शामली के किसानों ने कहा, अब तक नहीं मिला पूरा पैसा, झूठ बोल रहे हैं पीएम। यूपी के बस्ती में 3 साल बाद भी मुआवजे और मदद के इंतजार में है शहीद की पत्नी, ससुराल वालों ने घर से निकाला, छोटी बच्ची के साथ किराए के घर में रहने को है मजबूर। हरियाणा के भिवानी में स्कूल की लापरवाही बनी मासूम बच्ची की मौत की वजह, वाटर पार्क में स्कूल पिकनिक पर गई बच्ची की डूबने से मौत, पुलिस ने दर्ज किया लापरवाही का केस। यूपी के फिरोजाबाद के कई गाँव में रहस्यमय बीमारी से दहशत, 50 से ज्यादा बच्चे बीमार, अब तक 4 की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा की हालत गंभीर है। कानपुर में मां बेटी ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी से पीड़ित हैं दोनों, पीएम को लिखी चिट्ठी। पंजाब के संगरूर में धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी, लोगों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। नेपाल बॉर्डर के पास उत्तराखंड के खटीमा में हाई अलर्ट, जंगल में दिखे कुछ हथियारबंद लोग, सुरक्षा एजेंसियां और सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। लखनऊ के होटल में एक डांसर से गैंग रेप, 4 युवकों ने गन पॉइंट पर किया रेप, पुलिस ने मीडिया के दबाव के बाद होटल मैनेजर समेत आरोपी को की गिरफ्तार। यूपी के बरेली बदायूं हाईवे पर नाबालिग से गैंगरेप, अगवा करने के बाद 1 महीने तक 6 बदमाश करते रहे रेप, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। यूपी के कानपुर में एक होटल के कमरे से मिला रस्सी से झूलता शव, 2 दिनों से होटल में ही रह रहा था मृतक, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के अमेठी में भी एक नाबालिग ने लगाया अपहरण के बाद रेप का आरोप, पीड़ित के मेडिकल के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच में चोरी, एक व्यापारी के लॉकर से लाखों के जेवरात गायब, ब्रांच मैनेजर और पूरे स्टाफ पर मुकदमा दर्ज। यूपी के अंबेडकर नगर में बेखौफ हुए अपराधी, ज्वेलरी शोरूम से 4 हथियारबंद बदमाशों ने आधा किलो सोना और 10 किलो चांदी लूटी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में बाघ की खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, बाजार में करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है खाल की कीमत।
उज्जैन में पत्नी ने पति की धुनाई कर डाली, दूसरी शादी करने से थी नाराज। दो साल पहले फरार पति को फेसबुक की मदद से ढूंढ निकाला। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने अपने ही घर में लाखों की चोरी करने के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार। पिता ने दर्ज की थी शिकायत, तफ्तीश में बेटा ही निकला गुनहगार। यूपी के बागपत में देवर ने किया अपनी ही भाभी का चाकू से गोदकर कत्ल, किसी बाहरी पुरुष से अवैध संबंध का था शक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा के मंदिर में लूट और पुजारी की हत्या का मामला सुलझा, हाथरस के दो युवक गिरफ्तार, अष्ट धातु की 9 मूर्तियां बरामद। जयपुर एयरपोर्ट पर 4G वाईफाई की सुविधा शुरू, 3 महीने तक मुफ्त सर्विस का फायदा उठा सकेंगे हवाई यात्री। सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, उज्जैन के महाकाल मंदिर में पत्नी के साथ शिवराज सिंह पहुंचे दर्शन के लिए। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ठाणे में पुलिस हेल्पलाइन लॉन्च, सचिन तेंदुलकर ने किया उद्घाटन। इंटरनेशनल क्रिकेट से मिली खाली वक्त का लुत्फ उठा रहे हैं धोनी, 15 अगस्त के मौके पर रांची में दौड़ाई अपनी पसंदीदा हमर कार। साउथ ईस्ट टर्की में थाने के बाहर कार में धमाका, 2 पुलिस वालों समेत 3 की मौत। अमेरिका के लुइसियाना में बाढ़ की वजह से परेशानी के हालात बने हुए, कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, 1000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। चीन के शांसी प्रांत में बाढ़ के पानी में फंसी कार, रास्ते में खड़ी बस ने कार को बहने से रोका। सिंगापुर के अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में आग लगी, बाल बाल बची मुसाफिरों की जान। काबुल में अमेरिकी दूतावास के नजदीक धमाका, 2 लोग घायल, अफगान सेना को निशाना बनाकर किया गया था हमला। यमन के सादा में स्कूल पर हमला, 10 बच्चों की मौत, 21 घायल, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर लगाया आरोप। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में दंगा, पुलिस के हाथों हथियारबंद अश्वेत युवक की मौत के बाद सड़कों पर उतरे लोग। इसराइल ने सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीन के एक नौजवान का घर उड़ा डाला, घर में घुसकर इसराइल की लड़की की हत्या की। सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में गैंग वॉर, अज्ञात हमलावरों ने 8 लोगों की हत्या की। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ, फिल्म को पुनीत मल्होत्रा करेंगे डायरेक्ट। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग टली, खबरों के मुताबिक अक्षय ने फिल्म मेकर विपुल शाह से फिल्म स्क्रिप्ट में बदलाव करने को कहा। संजय लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती में शाहरुख खान कर सकते हैं रणवीर सिंह को रिप्लेस, फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में आएंगे नजर।